So we will start with the last remaining topic of this chapter, that is magnifying power of a telescope. और magnifying power of telescope के बाद जो बचे हुए numericals हैं, that we will complete today. Magnifying power of telescope ये comparatively microscope से simple है. Compound microscope हमने कल ही देखा था. तो telescope का theory it is much more simpler compared to microscope. मैग्निफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्निफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप यूज कहाँ करते हो. टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली दे आर लार्ज इन साइज, लेकिन हमको दिखते छोटे हैं वो, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. Any object which is far away from us subtends a small angle, hence the apparent size of the object is small. है वो actually बहुत बड़ा, लेकिन हमको बहुत छोटा दिखता है because it is far away. So see distant objects like for example stars, planets, etc. Stars and planets. मैंने आपको कल बताया था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स मतलब द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ. तो एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. क्या कंडीशन था? इफ द डिस्टेंस इज मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 10f, वेर f इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ. फॉर एग्जांपल अगर लेंस का फोकल लेंथ इफ यू हैव 10 सेंटीमीटर, तो मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 100 सेंटीमीटर. बट तो ये जो टेलीस्कोप है जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें भी दो लेंस है, इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी एक आईपीस है. तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. सिर्फ यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उल्टा सिस्टम है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर आपको याद होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉल एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, एंड आईपीस हैज लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ. यहाँ पे उल्टा होता है. ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज एपर्चर हुआ तो फोकल लेंथ इज लार्ज, एंड आईपीस हैज स्मॉल एपर्चर. स्मॉल एपर्चर, और अगर एपर्चर स्मॉल है तो फिर फोकल लेंथ भी स्मॉल है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव. देन ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस होते हैं, दे आर फिटेड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो दीज टू लेंस आर फिटेड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विच आई विल नॉट राइट डाउन हियर. सिर्फ पता होना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ ट्यूब. तो हम बाद में देखेंगे, वी विल डिराइव दिस लेटर. इसका वर्किंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया आपका कौन सा लेंस, बड़ा लेंस कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव. तो ये आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस, मोर ऑर लेस समझ लेना. इमेजिन दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड यू हैव आईपीस हियर. तो ये आ गया आईपीस, ये आ गया कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर बोथ ऑफ देम. दिस इज कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस. माइक्रोस्कोप में हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाते हैं. अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर, अगर आपको याद होंगे
तो आप लोग क्या करते हो, उसे शो करते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मे बी इट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल पॉइंट इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मे बी इट इज बियॉन्ड फोकल पॉइंट इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन टेलीस्कोप के केस में यू कैन नॉट शो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, व्हाट इट इज एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो वहां से जो रेज आते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं, रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल, आई एम नॉट सेइंग पैराएक्सियल, पैराएक्सियल तब होता है कि वो रेज पैरेलल भी है और प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल है, तो वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है जब आपके पास ऑब्जेक्ट इंफिनाइट डिस्टेंस पे हो, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनाइट डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, इन दैट केस द रेज कमिंग फ्रॉम दैट स्टार दे आर पैरेलल बट दे आर नॉट पैराएक्सियल, वो पैरेलल तो है बट पैराएक्सियल नहीं है, तो मे बी समथिंग लाइक दिस, और आपको पता है ही, पता है ना ऑप्टिक सेंटर में से जो रे पास होता है वो डेविएट नहीं होता है, वो सीधा जाता है, देन यू हैव अनदर पैरेलल रे, दिस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस विल रिफ्रैक्ट, और यहाँ पे आपका बन गया इमेज, किसका इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसका इमेज, तो मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वहां पे, ए बी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे ए बी क्या है, इमेज है, किसने बनाया इमेज, किसने बनाया ऑब्जेक्टिव इमेज, तो ये क्या है आई पीस है, तो थोड़ा थोड़ा सा इसको ध्यान दो, ये ज्यादा सिंपल है, एज आई एम टेलिंग यू इट इज टू सिंपल, सिर्फ यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट का साइज दिखाते नहीं हो क्योंकि ऑब्जेक्ट इज फार अवे, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग एट जुपिटर, तो जुपिटर तुम दिखा नहीं सकते ना, इट इज मोर ऑफ लाइक इनफिनाइट डिस्टेंस, सो रेज कमिंग फ्रॉम जुपिटर दे आर पैरेलल टू इच अदर, दे मे नॉट बी पैराएक्सियल, पैराएक्सियल नहीं होंगे, हो सकता नहीं है, लेकिन एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, तो जो रे ऑप्टिक सेंटर में से पास होगा ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिक सेंटर में से वो कैसा गया स्ट्रेट, जो दूसरा रे है जो ऑप्टिक सेंटर में से पास नहीं हुआ उसका क्या हुआ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे एक इमेज बना है ए बी, ए बी इज नॉट ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप के केस में ए बी क्या था ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ए बी क्या है इमेज है, किसने इमेज बनाया, किसने बनाया ऑब्जेक्टिव ने, एंड इफ यू रिमेंबर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वेयर इज इमेज फॉर्म, फोकस, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वो कब होता है, वो तब होता है जब रेज क्या हो पैराएक्सियल, यहाँ पर रेज पैराएक्सियल दे गया नहीं, पैरेलल थे बट पैराएक्सियल दे गया नहीं, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं टेलीस्कोप में, टू सिंपल थ्योरी बट यू हैव टू पे अटेंशन, अगर रेज पैराएक्सियल होते तो वो कहाँ पे फोकस, कहाँ पे आगे कॉन्वर्ट होते फोकस पॉइंट, अगर पैराएक्सियल होते तो, लेकिन इन रियलिटी रेज पैराएक्सियल है क्या, नहीं, पैरेलल है यस, पैराएक्सियल है नो, दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दिस केस द रेज विल बेसिकली कॉन्वर्ज नॉट नॉट एट फोकस पॉइंट बट ऑन अ प्लेन, और उस प्लेन पे ही कौन है फोकस पॉइंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, इसको तुम बोलते हो प्लेन, यहाँ पे सेंटर में ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको बोलते हो फोकस, हमारा जो इमेज बना वो फोकस पे बना गया नहीं, वो नीचे बना, लेकिन लेकिन फोकल प्लेन पे बना गया यस, तो व्हाट इज फोकल प्लेन, अ प्लेन विच कंटेन्स फोकस इज नोन एज फोकल प्लेन, तो जब रेज दे आर नॉट पैराएक्सियल बट दे आर पैरेलल वेयर इज इमेज फ्रॉम फोकल प्लेन, तो इन दिस केस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, कहाँ बना ये इज फॉर्म ऑन द फोकल प्लेन, नॉट एट फोकल पॉइंट बट ऑन फोकल प्लेन, और इमेज को नाम क्या दिया तुमने ए बी, इज दिस क्लियर, हाँ तो फोकल प्लेन भी बनता है ना, टेलीस्कोप के केस में फोकल प्लेन भी बनता है इमेज, सिर्फ टेलीस्कोप के केस में, माइक्रोस्कोप के केस में हम सेटिंग कर सकते हैं, वी कैन चेंज, हियर यू डोंट हैव ऑप्शन, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ही इंफिनिटी पे हो तो इमेज बाय डिफॉल्ट कहाँ बनेगा फोकल पॉइंट पे,
अगर रेस क्या है पैराक्सियल, लेकिन यहाँ पे रेस क्या है पैरेलल नॉट पैराक्सियल, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इंफिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज या तो फोकस पॉइंट पे बनता है फोकल प्लेन पे बनता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। इन केस ऑफ टेलीस्कोप यू हैव नो ऑप्शन, इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड ऑन फोकल प्लेन, फोकस पॉइंट इटसेल्फ इज अ पॉइंट ऑन फोकल प्लेन, तो सारे इमेजेस कहाँ बनेंगे फोकल प्लेन पे बनेंगे। माइक्रोस्कोप के केस में तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो, यू हैव ऑप्शन टू सेट चेंज द डिस्टेंस, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का थ्योरी वापस से देखो आप। इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था ही नहीं, इट वॉज नॉट एन इन्फिनाइट डिस्टेंस, तो इट वॉज जस्ट बियॉन्ड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इमेज वॉज फॉर्म ऑन द अदर साइड विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आईपीस के लिए तुम वो जो इमेज बनता है किसका इमेज ऑब्जेक्ट में जो बनाया वो इमेज, वो आईपीस के लिए क्या है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसको तुम आईपीस को सेट करते हो सो दैट द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव इज एट द फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। मैं वापस बता देता हूँ, नॉट टू वरी, आई विल जस्ट मेक थिंग्स लिटिल क्लियर अगेन। तो पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए, दो लेंस वहां पे भी थे यहाँ पे भी था, यहाँ सिर्फ उल्टा था, ऑब्जेक्टिव ये छोटा है आईपीस से बड़ा है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्टिव है ये आ गया ऑब्जेक्टिव का फोकल पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट आपके पास था तुमने यहाँ रखा था जस्ट बियॉन्ड फोकस, इमेज क्या बनेगा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, वो बन गया यहाँ पे। ये डिस्टेंस है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ये था आपका इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, और ये आईपीस है। अब आपके ऊपर है हाउ यू आर कीपिंग दिस आईपीस, आईपीस को तुम मूव कर सकते हो, और आईपीस को तुमने अगर मूव किया तो व्हाट यू कैन डू इज ये आर फोकस, किसका फोकस है ये आईपीस, इन दैट केस इमेज कैसा बनता है वर्चुअल रेक्टेंगल मैग्नीफाइड, वो हमारे ऊपर है ना, हम इसको इसका पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप में तुम सेटिंग कर सकते हो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट के साथ तुम क्या कर रहे हो कुछ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे ही है। इन केस ऑफ टेलीस्कोप यू कैन नॉट डू एनीथिंग, देयर इज नो ऑप्शन, और दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने पहले लेक्चर में बोला था आपको कि माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट एट स्मॉलर डिस्टेंसेस, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन एडजस्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या किया था, क्या रखा था ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, तो तुम वो उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जब तुम टेलीस्कोप की बात करते हो तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है लार्ज डिस्टेंस पर, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, तुम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनने वाला है फोकस पॉइंट या फिर फोकल प्लेन, तो टेलीस्कोप में इसके लिए तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात ही नहीं करते, क्या करोगे इंफिनिटी आएगा ना वो, इट विल बी ऑलवेज इंफिनिटी, तो इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म दैट फोकल प्लेन। इफ द रेज आर पैराएक्सियल इमेज कहाँ बनेगा फोकल पॉइंट पे, फोकल पॉइंट ये खुद फोकल प्लेन पे है, जैसे ये बोर्ड है ना बोर्ड, ये बोर्ड क्या है प्लेन, प्लेन है कि नहीं, इधर एक पॉइंट लिख दिया मैंने, तो दिस पॉइंट इज ऑन दिस प्लेन, तो सिमिलरली फोकल प्लेन पे फोकस एक पॉइंट है, और अगर रेज पैराएक्सियल नहीं हुई लेकिन पैरेलल है तो इमेज कहाँ बनने वाला है, कहाँ बनने वाला है फोकल प्लेन पे। ये ए बी ऑब्जेक्ट है कि इमेज है, इमेज है, किसने बनाया ये इमेज, किसने बनाया किसने बनाया किसने बनाया ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड, तीन चार बार पूछने का रीजन ये था आई वांटेड टू नो व्हाट इज दिस डिस्टेंस मैन, व्हाट इज द डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस वी ओ राइट, लेकिन तुमने ही बोला ये कहाँ बना फोकल प्लेन पे, कहाँ बना फोकल प्लेन पे, तो वी ओ इक्वल टू एफ ओ, नोट्स में भी नहीं होता है बुक्स में भी नहीं होता है, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे या फोकल प्लेन पे, तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, तो आपके डायग्राम में लिखना होगा तो कर लो आप, एकदम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फिर समझ में नहीं आता एफ ओ कहाँ से मिलेगा बी ओ कहाँ से मिलेगा। गुड, अब और एक जनरल क्वेश्चन, जब आप फार अवे ऑब्जेक्ट को देखते हो
जैसे आपने प्लैनेट को देखा, स्टार को देखा, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? यू वांट टू हैव इमेज साइज एज लार्ज एज पॉसिबल. सबसे बड़ा इमेज साइज कौन से डिस्टेंस पे बनता है? इंफिनिटी पे. कहाँ बनता है? इंफिनिटी पे. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, वेयर इज इमेज फ्रॉम? इंफिनिटी. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? हाईली मैग्निफाइड. रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड. अब देखो, ये जो इमेज था ना, ए बी, जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया, हमने इंटेंशनली इंटेंशनली इसको ऐसा रख दिया. कैसा रखा? सच दैट ये जो ए बी है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. किसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? आई पीस के लिए. और तुमने इसको ऐसा रखा है, सच दैट ये जो ए बी है, दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस एट फोकल लेंथ. तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? फोकल लेंथ. किसका फोकल लेंथ? आई पीस का. और ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. किसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? आई पीस के लिए. बराबर, करेक्ट. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड. रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस, इज इट ऑन द सेम साइड और अदर साइड? मतलब ये उल्टे साइड में बनेगा. बराबर, तो मैंने आपको कल भी बताया था. तो हम लोग करते क्या है, ये अच्छे से समझ लो. व्हाट वी डू इज दिस, हम लोग इस ए बी को एग्जैक्टली फोकल प्लेन पे रख नहीं रहे. मैंने कल भी बताया था आपको, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो तुम 9.99 रख दो, तो इफेक्टिवली क्या होगा? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट लार्ज डिस्टेंस. और लार्ज डिस्टेंस को तुम क्या मानते हो? इंफिनिटी. बराबर, अगर तुमने गलती से भी इसको एग्जैक्टली फोकल प्लेन पे रख दिया तो इमेज दिखेगा ही नहीं. क्यों दिखेगा? इट विल बी फाउंड ऑन द अदर साइड, आईपीस के पीछे. मतलब जिस आईपीस से तुम देख रहे हो उसके पीछे, तो तुमको कुछ दिखेगा नहीं बेसिकली. इसके लिए क्या होता है, हम इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं सच दैट ए बी इज नॉट एग्जैक्टली एट फोकल प्लेन, इट इज जस्ट बिफोर इट. तो जस्ट बिफोर, तो इमेज फॉर्म विल बी हाईली मैग्निफाइड एंड प्रैक्टिकली एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मोर और लेस. तो ये जा रहा है टुवर्ड्स इंफिनिटी, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. हमको इसको टुवर्ड्स इंफिनिटी भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए? इमेज साइज शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. यहाँ तक क्लियर? क्लियर. मैंने इसलिए कल बोला था आपको कि माइक्रोस्कोप को रिवाइज करके आओ, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा बहुत ज्यादा. तो अभी तुमने नहीं किया तो यू विल बी इन प्रॉब्लम, इन ट्रबल. तो एनीवेज, दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ था? इनफिनाइट डिस्टेंस पे. ऑब्जेक्ट के पास में कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव. बराबर, तो ए बी ये क्या है? इमेज है. किसने बनाया इमेज? ऑब्जेक्टिव ने. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट डिस्टेंस पे था तो इमेज कहाँ बना? फोकल प्लेन पे. तो इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? फोकल लेंथ, वी ओ इक्वल टू एफ ओ. और ये जो ए बी है इमेज, ये आई पीस के लिए क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. हमने इसको कैसा रखा है? सच दैट दिस ए बी इज एट मोर और लेस एट एट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? फोकल लेंथ आई पीस का. तो इमेज क्या बनेगा प्रैक्टिकली? एट लार्ज डिस्टेंस. तो उसको क्या बोलोगे? इंफिनिटी. तो एक काम करते हैं, इस एंगल को बोल देते हैं बीटा, और इस एंगल को बोल देते हैं अल्फा. ये एंगल क्या है? अल्फा. क्यों? क्योंकि तुमको मैग्नीफाइंग पावर चाहिए. हमने लिखा ही है मैग्नीफाइंग पावर प्लस शो. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हर जगह पे सेम है. अगर ये अल्फा है तो ये क्या है फिर? अल्फा. क्यों? वर्टिकली अपोजिट. अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वही रेशियो है बीटा बाय अल्फा. व्हाट इज बीटा हियर? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय. किसने सबटेंड किया? फाइनल इमेज ने. कहाँ पे? एट आई, क्योंकि तुम यहां से देख रहे हो तो आई यहाँ पे है. गुड. तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय बाय इमेज, ऑफकोर्स फाइनल इमेज एट आई. और इस केस में आई इज एडेड आई, क्योंकि तुम आई पीस से देख रहे हो. टू दैट ऑफ अल्फा. व्हाट इज अल्फा?
What is alpha? Angle subtended by object at I. तो ऑब्जेक्ट को जब तुम नेकेड आई से देखते हो, जुपिटर को तुम नेकेड आई से देख रहे हो, तो जुपिटर जितना भी एंगल आंखों पे बनाएगा उसको क्या बोलोगे? अल्फा। अब दूसरा कंफ्यूजन होता है, आप बोल रहे हो आंखों पे, लेकिन तो टेलीस्कोप पे बन रहा है, टेलीस्कोप पे बन रहा है ना, सही है ना, बराबर ना? तो जो डेफिनेशन है वो गलत है क्या? नहीं। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दैट यू हैव सीन? 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट, उसके ऊपर तो नहीं होगा, बराबर। 10 फीट से ऊपर तो नहीं होगा ना, मैक्सिमम मैंने बता दिया, इतना भी नहीं होता है वो, जो तुम लाते हो 4-5 फीट का होता है वो छोटा सा। तो मैंने जुपिटर को डायरेक्टली देखा विदाउट टेलीस्कोप, या फिर मैंने देखा विद टेलीस्कोप, मेरे आंखों पे जो जुपिटर का एंगल बन रहा है या ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो एंगल बन रहा है जुपिटर का, वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसके लिए हम लोग यही एंगल को क्या मान लेते हैं? एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। तो इट इज अ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई टू दैट ऑफ एंगल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई सिर्फ यहां पे वो गलती से लिख मत देना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डीडीवी, तो रख दिया स्टार को 25 सेंटीमीटर पे, तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। तो इसमें एट डीडीवी नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? इंफिनिटी पे। तो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। बहुत सिंपल है ये इक्वेशन नंबर वन। व्हाट इज टैन बीटा फ्रॉम डायग्राम? व्हाट इज टैन बीटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज अपोजिट साइड? ए बी। एडजेसेंट साइड एफ ई। So this is AB by FE. So therefore tan beta is equal to AB upon FE, focal length of eyepiece. और इस केस में तो definitely angle छोटा ही होता है. If beta is small, therefore tan beta is approximately equal to beta equal to AB upon FE. So ये equation number two. What will be tan alpha? What is tan alpha, Mr. White? चलो बताओ, 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 बताओ। What is tan alpha? No one else will speak in between. Diagram है, सिर्फ मुझे देखना है कि trigonometry जो 9-10 में सीखा था वो याद है कि नहीं। बताओ तो डायग्राम, यहाँ देखो, नीचे मत देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, बताओ what is tan alpha? थोड़ा सा तुम साइड में हो जाओ, उसको देखने दो डायग्राम। हाँ देखो, बताओ what is tan alpha? अरे इतने क्या शर्माना है इसमें, डायग्राम देखो, टैन अल्फा बताओ। व्हाट इज टैन बाय डेफिनेशन ही बता दो, टैन अपोजिट अपॉन, हाँ वेरी गुड। तो ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, इसमें अपोजिट कौन है? ए बी। और एडजेसेंट कौन है? ये कौन है एडजेसेंट? एफ ओ। हाँ वेरी गुड। तो टैन अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन एफ ओ। बट इफ alpha is small, which is of course small, agar alpha small hua to us case mein tan alpha is approximately equal to alpha, therefore tan alpha is approximately equal to alpha equal to ab upon fo, equation number 3. From equation number 1, 2, and 3, what is magnifying power of telescope? Beta by alpha. What is beta? Ab by fe. What is alpha? AB by FO. AB AB हो गया, cancel. तो FO by FE. सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव साइन लगाने वाले हैं। क्यों नेगेटिव लगाया? Look at the diagram and tell me why negative. Image is inverted with respect to object. तो टेलीस्कोप में नॉर्मली तुमको उल्टा इमेज दिखता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट Image is inverted with respect to object. Good. So ये बहुत simple था. That's it. What is magnifying power? Focal length of objective upon focal length of eyepiece with negative sign. बराबर एक last चीज रह गई, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस था और आईपीएस लेंस था वो तुमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में फिट किया है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब
लेंथ ऑफ ट्यूब, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ट्यूब, देख के बता दो क्या है, क्या है एफ ओ प्लस एफ ई या फिर बी ओ प्लस यू ए। तो लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब एल इज एफ ओ प्लस एफ ई और इज बी ओ प्लस यू ई, बराबर क्लियर। सिर्फ एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या लोगे मॉड, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, मैं तो कर दिया माइनस। तो जब लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड करते हो, कोई ऐसा ट्यूब नहीं मिलेगा जिसका लेंथ नेगेटिव हो। सुना है लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप इज -10 सेंटीमीटर, हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लोगे मॉड लोगे। क्लियर यहाँ तक, गुड। तो जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप, एक्चुअली 5 मिनट में काम था, तो अभी मैं 5 मिनट में लूंगा, 2 मिनट में रिवाइज करेंगे इसको। टेलीस्कोप में कितने लेंस होते हैं, दो, एक ऑब्जेक्टिव है आईपीस, कहाँ यूज करते हैं, दूसरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब विच आर एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा बाय डिफॉल्ट ये कंसिडरेशन है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वेर इज इमेज फ्रॉम फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। लेकिन अगर रेस पैरा एक्सियल हो तो, अगर रेस पैरा एक्सियल नहीं है तो इमेज क्या बनेगा फोकल प्लेन पे। तो ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, यू हैव रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और लार्ज डिस्टेंस, देन इन दिस केस द रेज आर पैरेलल बट नॉट पैरा एक्सियल, तो पैरेलल तो है लेकिन पैरा एक्सियल नहीं है, तो ये जो पैरेलल रेज है दे विल बेसिकली फॉर्म इमेज ऑन अ प्लेन विच इज नोन एज फोकल प्लेन। तो इमेज यहाँ बन गया फोकल प्लेन पे, तो इमेज इज फॉर्म हियर एट फोकल प्लेन। तो ये जो इमेज को नाम दे दिया हमने ए बी, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है इमेज, राइट। किसने बनाया ये इमेज, ऑब्जेक्ट ने, मिस्टर ब्लू मिस्टर ग्रीन सॉरी ब्लैक, हाँ तुम ही, हाँ तुम, यहाँ जान दो। तो ये आ गया ए बी, गुड। तो इन दिस केस ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, फोकल लेंथ ऑफ, यस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बट इज ऑल्सो इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। और आपने यहाँ पे ये जो ए बी था इसको कैसा ट्रीट किया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, तो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, तो ये आ गया एफ ई। द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट वेरी लार्ज डिस्टेंस प्रैक्टिकली इंफिनिटी। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, इफ यू रिमेम्बर मैग्नीफाइंग पावर क्या था टेलीस्कोप का, बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज बीटा, बीटा इज नथिंग बट एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, राइट, एंड अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज टैन बीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इज ए बी, एडजेसेंट साइड इज एफ ई, अल्फा इज अगेन सेम, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट इज ए बी, एडजेसेंट इज एफ ओ, ए बी हो गया कैंसल, तो एफ ओ बाय एफ ई, सिर्फ एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, सेम इज द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। And length of the tube, length of tube of telescope is distance between objective and eyepiece. So, वो आ गया आपका FO plus FE और it is nothing but VO plus UE. Done. खत्म. That is the end of theory part of this chapter. अब अगर आपको याद होगा एक example हमारा बाकी था 9.9. लेकिन 9.9 एग्जाम्पल हमने पेंडिंग रखा था, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन गो थ्रू व्हाट इज द एक्स्ट्रा थ्योरी रिक्वायर्ड। फॉर अ ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, तो फॉर अ ग्लास प्रिज्म रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5 हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जिस प्रिज्म का एंगल होता है उसको और एक नाम है, याद है इक्विलैटरल प्रिज्म, या उसको सिमेट्रिक प्रिज्म भी बोलते हैं। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एमर्जेंट रे इज पॉसिबल फ्रॉम द अपोजिट सरफेस एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एमर्जेंस, वेरी गुड। ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच आई इक्वल टू ई, हाउ मच इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो वापस एक बार क्वेश्चन पूरा रीड करो और क्या पूछा है पहले वो समझ लो। हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। आगे बोला है डिटरमाइन द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब
मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एमर्जेंट रे इज पॉसिबल फ्रॉम द अपोजिट सरफेस एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। दे आर इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको याद होगा प्रिज्म, प्रिज्म का थ्योरी अगर याद होगा तो प्रिज्म के थ्योरी याद है क्या? प्रिज्म का थ्योरी याद है? प्रिज्म एंगल, प्रिज्म फॉर्मूला, ये सब चीजें याद है? डू यू रिमेम्बर? तो ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, ए बी एंड सी, दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। उसके बाद इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे हमने एक रे इंसिडेंट करवाया था, दिस इज नॉर्मल ऑन सरफेस ए बी, दिस इज नॉर्मल ऑन सरफेस ए सी। इफ यू हैव अ रे ऑफ लाइट, सम रे ऑफ लाइट पी क्यू, इट इज गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। एट सरफेस ए सी द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इफ यू रिमेंबर ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था आर वन, ये था आर टू, ये था एंगल ऑफ एमर्जेंस। जैसे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे, एज सुन एज यू चेंज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर वन विल चेंज। क्यों? क्योंकि आई एंड आर वन आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन। इफ यू चेंज आर वन, आर टू विल चेंज बिकॉज आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, तो आर टू इक्वल टू ए माइनस आर वन। तो देखो हो क्या रहा है, ये सारे फॉर्मूलाज दिमाग में अंदर फिट होने चाहिए, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है। तो अगर आपने आई की वैल्यू चेंज की तो आर वन चेंज होगा बिकॉज आई एंड आर आर रिलेटेड टू ईच अदर। आर वन चेंज हुआ तो आर टू चेंज होगा बिकॉज आर टू डिपेंड्स ऑन आर वन। आर टू चेंज हुआ तो ई चेंज होगा क्योंकि आप जब वापस से ए सी सर्फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो म्यू वन साइन ई इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर टू, तो एंगल ऑफ एमर्जेंस चेंज होगा। अब जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये जो एमर्जेंट रे है इट विल पास समथिंग लाइक दिस। इसको एक पर्टिकुलर नाम था, याद है क्या? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब सरफेस को टच करके जाना। तो अगर मैंने आई चेंज किया तो आर वन चेंज हुआ, आर वन चेंज हुआ तो फिर उस केस में ई चेंज हुआ, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर टू के लिए द एमर्जेंट रे गोज आउट ग्रेजिंग, बराबर। और अगर आपको याद होगा क्रिटिकल एंगल, याद है क्रिटिकल एंगल क्या था? क्रिटिकल एंगल द एंगल इनसाइड डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे मतलब इन रेरर मीडियम इज एट 90 डिग्री। डिफाइन किया था ना आपने, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो जब ये एमरजेंट रे ग्रेजिंग जा रहा है उस केस में आर टू मतलब कौन है? क्रिटिकल एंगल है। तो आर टू क्या है? क्रिटिकल एंगल है। अब ध्यान देना इसके अच्छे से, अगर आपको R2 critical angle पता लग गया तो R2 is critical angle, you know what is critical angle? Sine inverse of 1 by refractive index, सही है? तो आपको यहां से R2 की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर एक ग्लास प्रिज्म है मतलब न्यू की वैल्यू 1.5 है तो ये आता है 41 degrees and 49 minutes, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41 degrees and 49 minutes, वो सॉल्व करने के बाद आता है, बराबर। अब अगर तुमको R2 मिल गया तो तुमको R1 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना R1, या तो यहाँ से फाइंड कर लो R1 या फिर यहाँ से फाइंड कर लो, कहाँ से? इससे। बट तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया नहीं है, पूछा है, क्लियरली पूछा है डिटरमाइन द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा R1, R1 इज इक्वल टू ए माइनस R2। मैं पूरा का पूरा वापस से लिख के दूंगा लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लो, a माइनस आर टू, वट इज ए वैल्यू? 60 डिग्री। हाउ मच इज दिस? 41 degrees and 49 minutes, तो कितना आ गया? 18 degrees and 11 minutes, roughly।
तो मिल गया आपको आर वन, आपको आर वन मिल गया तो आपको आई मिल जाएगा, कैसे, इस फॉर्मूला से। तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन, और ये जो आई की वैल्यू है, ये आई की मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है, ये यहाँ पे हो गया कंफ्यूजन चालू। ये जो आई की वैल्यू है, ये आई का मिनिमम वैल्यू है कि आई का मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। दिस वैल्यू ऑफ आई, चलो मैं थोड़ा सा वापस डायग्राम पे आता हूँ। सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, और ये सेम क्वेश्चन जे डबल ई नीट का क्वेश्चन, तो यू हैव नो ऑप्शन, करना ही पड़ेगा। देखो होगा क्या, इमेजिन ये रे ऐसा इंसिडेंट करवाया, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जीरो। फिर मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ। तो आई कैन मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस अप टू 90 डिग्री, कहाँ तक, 90 डिग्री। लेकिन होगा क्या, तुम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहे हो, क्या चेंज हो रहा है, आर वन, आर वन चेंज हो तो क्या चेंज हो रहा है, आर टू। और अगर गलती से ये आर टू की जो वैल्यू है, जो 41 डिग्रीज एंड 49 मिनट्स आया, अगर उससे ज्यादा हो गया तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लियरली बोला है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एमर्जेंट रे इज पॉसिबल फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। क्योंकि अगर तुमने आई की वैल्यू ऐसा रख दिया कि ये जो एंगल है आर टू, ये आर टू अगर 41 डिग्रीज 49 मिनट, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो फिर रे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द एमर्जेंट रे विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि रे अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया, बाहर गया ही नहीं। यहाँ तक क्लियर? तो मेरा अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको वैल्यूज मिल गए ना, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, मतलब आर टू 41 डिग्री 49 मिनट, वहां से क्या मिल गया, आर वन, तो आर वन इज 18 डिग्रीज एंड 11 मिनट्स, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, आई। तो तुम यहाँ से आई फाइंड कर लोगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आई का वैल्यू है, ये आई का वैल्यू मिनिमम वाला वैल्यू है कि मैक्सिमम वाला वैल्यू है, एक सोच के बताओ अच्छे से, मिनिमम के मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि आपके बुक में क्या लिखा है आई डोंट नो, वो कुछ तो लिखा होता है, ठीक है, व्हाट एवर इट इज, आई जस्ट डोंट केयर, व्हाट इज आई, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू है आई का, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। ये सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू आ रही है 27 डिग्रीज एंड 55 मिनट्स, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 27 डिग्री एंड 55 मिनट्स, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 27 डिग्री 55 मिनट से कम हुआ तो फिर ये जो एंगल है इट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा ही होता है ना, बराबर, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम अगर बढ़ाओगे तो फिर ये आर वन की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी, रे का टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना मतलब आर की वैल्यू कम होना कि बढ़ना, कम होना। आर वन की वैल्यू अगर कम हो रही है तो लुक एट दिस एक्सप्रेशन, अगर आर वन की वैल्यू कम हो रही है, ये तो फिक्स है ना, तो आर टू की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, बराबर है ना, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं, करेक्ट है। तो अगर आर वन की वैल्यू तुम कम कर रहे हो तो आर टू की वैल्यू बढ़ा रहे हो, और आर टू की वैल्यू अगर बढ़ गई और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं पूरा रिपीट करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड। तो इसका मतलब ये जो तुमने वैल्यू फाइंड की, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम है, इससे कम तुम करते हो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इससे कम तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हो तो आर वन कम होता है, आर वन कम होता है तो आर टू बढ़ जाता है, आर टू बढ़ता है तो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो रे क्या होगा, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज पूछी थी, रेंज मतलब क्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम तो तुमको मिल गया, कितना मिनिमम, 27 डिग्रीज एंड 55 मिनट्स, बराबर ना, बराबर के नहीं,
अब मैक्सिमम की बात करते हैं, अब मैक्सिमम कैसे फाइंड करोगे वो देखते हैं। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो आपको स्टेट बोर्ड थ्योरी में नहीं है लेकिन आपको जेईई नीट में है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमको ये बताता है, देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर ये ऐसा गया फिर यहाँ आया और फिर यहाँ गया, तो इंसिडेंट रे कौन सा था, पी क्यू, कौन सा था, पी क्यू। रिफ्रैक्टेड कौन सा है, मतलब इनसाइड जो है वो क्यू आर है, और एमर्जेंट कौन है, क्यू एस है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तुमको ये बताता है कि तुम अगर इसके डायरेक्शन को उल्टा कर दो तो रे विल ट्रैवल द सेम पाथ, रे विल ट्रैवल सेम पाथ, रे विल ट्रैवल सेम पाथ, ये इंपॉर्टेंट है। गुड, नाउ दैट क्लियर। तो तुम अभी मेरे को बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। कि क्रिटिकल एंगल पे पैरेलल नहीं आ रहा है, वो तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इट्स नॉट पैरेलल। पैरेलल तो आई इक्वल टू ई पे होता है, इट इज नॉट पैरेलल। कहाँ पे पैरेलल है, थोड़ा गलती से दिख गया होगा तो अलग बात है। ये देखो ये ऐसा लाइन है और दिस लाइन इज नॉट रियली पैरेलल, थोड़ा ऐसा दिखाना चाहिए था मैंने, ठीक है, दैट इज नॉट पैरेलल। सरफेस को पैरेलल है, यस, ग्रेजिंग है, नहीं ऐसा नहीं होता, वही तो मैं बता रहा हूँ। और थोड़ा सा वापस कलेक्टिवली ध्यान दो, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर तुम रेस को का डायरेक्शन उल्टा करते हो तो रे विल ट्रैवल, इट विल ट्रैवल सेम पर। उल्टा करना मतलब पता है क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस नाउ बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ बिकम्स एंगल ऑफ एमर्जेंस, सही है, उल्टा हो गया ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना, 90 डिग्री, सिंपल, 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, 90 डिग्री। व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, 27 डिग्री 55 मिनट, हो गया, रेंज मिल गया। देखो दिख रहा है ना तुमको ये इमर्जेंट हो रहा है कि नहीं, 90 डिग्री एंगल ऑफ इमर्जेंस था, अभी रिवर्सिबिलिटी लगा दिया तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रे बाहर निकला कि नहीं, निकला ना, निकला ना, बराबर ना। तो ये जो वैल्यू थी ये कितनी है, 90 डिग्री, और एंगल ऑफ इमर्जेंस का वैल्यू क्या आ गया, 27 डिग्री एंड 55 मिनट, से वैल्यू उल्टे हो गए, जो आई था वो क्या बन गया, ई, जो ई था वो क्या बन गया, आई। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, 90 डिग्री। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, 27 डिग्री एंड 55 मिनट्स। आई विल रिपीट ऑल दिस थिंग अगेन। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट, खत्म हो गया, हमको रेंज मिल गया और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमरजेंस भी मिल गया। तो जब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस था कितना था, 27 डिग्री 55 मिनट, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना था, 90। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, 90। व्हाट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, 27 डिग्री एंड 55 मिनट्स, बराबर, क्लियर। अब आगे पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच आई इज इक्वल टू ई। तो जब आई इक्वल टू ई हो, आई इक्वल टू ई हो, तो तुमको याद है आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, याद है। और आई इक्वल टू ई हो तो क्या होता है, 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाय 2। पर प्रॉब्लम है ना, डेल्टा ना पता तुमको, पता है क्या डेल्टा नहीं, तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे अब यहाँ पे, वट विल यू डू हियर, हाउ डू यू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर i इक्वल टू e। आई इक्वल टू ई के लिए क्या करोगे, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर, और वो होता है ए बाई टू। तो वेन आई इक्वल टू ई, यू हैव आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू, तो आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू, बराबर।
तो आर वन इक्वल टू 60/2 मतलब कितना 30 डिग्री, सही है बराबर ना। क्या पूछा था, क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच आई इक्वल टू ई। अब तुम्हारे पास क्या है, आर वन है, तो इस सरफेस पे क्या लगाओगे, वहां से क्या मिल जाएगा, आए म्यू तो दिया ही है ना आपको, म्यू कितना है 1.5, आर वन कितना आया 30, व्हाट इज साइन 30, 1/2 कितना आया 1/2, और ये कितना है 1.5, और ये कितना है 1/2, 1.5 मतलब 3/2, और ये 1/2 तो कितना आ गया 3/4 मतलब 0.75, साइन ऑफ आई इक्वल टू 0.75, तो साइन की वैल्यू 0.75 कौन सा एंगल की होती है वो चेक करो, लॉगबुक में चेक कर लेना तुम, बाद में करना मैं बता देता हूँ, मैंने तो करके रखा था शायद, लेट मी सी इफ आई हैव डन, यस आई हैव डन दिस। तो ये आई की वैल्यू आ जाती है, इन दिस केस आई की वैल्यू आती है 48 degrees and 35 minutes, 48 degree and 35 minutes, ओके गुड हो गया। अब लास्ट लास्ट क्या पूछा है, हाउ मच इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब तो इजी है ना, मिनिमम डेविएशन कैसे फाइंड करोगे, मिनिमम डेविएशन आई की वैल्यू मिल गई आपको कितना 48 degrees and some minutes, ई की वैल्यू सेम है बोला है, क्या बोला है आई इक्वल टू ई, तो वो 2i बन गया, ए तो पता ही है कितना है 60, तो 2i माइनस ए इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये था पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन का मैंने आपको सिर्फ अभी ब्रीफिंग दिया है ओवरऑल, अभी सेकेंड टाइम में डिफिकल्ट नहीं आएगा, यू विल फाइंड इट टू इजी टू सॉल्व, पहले बार कंफ्यूजन होता है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से प्रॉपर वे से, गुड। तो फॉर अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म गिवन रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस, तो जो अभी तक सोए थे या ध्यान नहीं था, यू हैव वन मोर चांस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, रिफ्रेक्टिव एंगल इज 60, और जरूरी भी होता है ना ऐसे क्वेश्चन लेना, मैं तो बोल रहा था चलो सॉल्व एग्जाम्पल है छोड़ो, आपको जेई नीट क्या होता है पता तो लगना चाहिए कम से कम, हाँ ओके गुड। तो क्या है 60 डिग्री है, डिटरमाइन डिटरमाइन द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपको मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, आपको मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, फॉर विच एमर्जेंट रे इज पॉसिबल फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए एसी सरफेस पे, इसका ये मतलब था। ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फाइंड फाइंड आई फॉर विच For which I equal to E. Okay. How much is the corresponding angle of minimum deviation? तो ये केस में ये केस अलग है, थर्ड एंड फोर्थ आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो जब I की वैल्यू फाइंड की आपने तो उस केस में क्या फाइंड करना है डेल्टा N. पहले दो पैरामीटर वो पहले केस के है और तीसरा और चौथा वो दूसरे केस का है, गुड। तो दो केसेस है यहाँ पे, तो केस वन एंड केस टू, तो यहाँ पता होना चाहिए, ये फाइंड करना है आपको, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, गुड। मैं सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ करूंगा फॉर ग्रेजिंग एमर्जेंस, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो ग्रेजिंग एमर्जेंस का केस कैसा था, इट वाज समथिंग लाइक हमारे पास एक प्रिज्म है, यू हैव अ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ दिस प्रिज्म, जस्ट अ मिनट, ओके आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जस्ट अ मिनट, ठीक है कोई बात नहीं। So you have a prism, equilateral prism more or less. ये आ गया principal section A, this is B, this is C. यहाँ AB पे light incident होगा और AC से light emerge होगा. You need to remember, angle of incidence is always measured with respect to normal. Good. यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके ऐसा आ गया, अगर ऐसा आया तो मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लेट मी जस्ट चेंज लिटिल बिट, फाइन डन। लाइट कैसे जा रहा है, एमर्जेंस क्या है, ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग मतलब सरफेस को टच करके जा रहा है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ एमर्जेंस इन दिस केस 90, ये क्या है आर टू है, ये क्या है आर वन है, और ये क्या है आई, क्लियर, हमको आई मीन और आई मैक्स फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा आई मिनिमम, this angle of incidence will be angle of minimum incidence, क्योंकि तुम अगर ये आई की वैल्यू
मिनिमम से कम करोगे और कम कर दिया तो आर वन क्या होगा, आर वन क्या होगा, कम होगा। आर वन कम होगा तो आर टू क्या होगा, बढ़ेगा, और आर टू बढ़ गया तो इंसिडेंस एंगल मतलब आर टू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मैं वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि बार बार तुम कंफ्यूज हो गए, ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पहले फॉर्मूला पे ध्यान दो। सबसे पहले लुक, नंबर वन ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन। डू यू सी म्यू वन एंड म्यू टू आर कॉन्स्टेंट, यस। डू यू सी साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर वन, यस। इसका मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू आर वन, यस। आई की वैल्यू कम करना मतलब आर वन की वैल्यू कम होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां से तुमने क्या सीखा, आई इज प्रोपोर्शनल टू आर वन। इसके बाद डू यू रिमेम्बर आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, क्या लग गया, यस। तो आर टू इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस आर वन। अगर आर वन की वैल्यू तुम कम कर रहे हो मतलब किसको कम कर रहे हो, आई को, तो क्या कम हो रहा है, आर वन। आर वन कम हुआ तो आर टू बढ़ गया, और आर टू बढ़ गया और वो अगर क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, रे बाहर नहीं जाएगा, रे क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। डायमंड में यही होता है, डायमंड में एक बार लाइट का रे अंदर गया तो कुछ हजार इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वो बाहर आता है, इसके लिए इट अपियर्स शाइनिंग, राइट, गुड। देन इसके बाद हो गया, इसके बाद क्या अप्लाई करोगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से तुमको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, क्लियर है। इसके बाद तुम क्या अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, इसके बाद क्या फाइंड करना होगा तुमको, आई फॉर आई इक्वल टू पी, ये कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड किया था, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू। तो यहां से तुमको आर वन मिल जाएगा, आर वन मिल गया तो वापस से क्या अप्लाई करोगे, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर वन। आर वन पता है, म्यू टू पता है, कितना म्यू टू 1.5, फिर क्या मिल जाएगा आर। ये केस टू है, ओके, दिस इज केस टू, मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ, ये ऊपर केस वन नीचे केस टू, केस वन के तीन ही फॉर्मूला थे लग गए, गुड। इसके बाद क्या फाइंड करना है, डेल्टा एन का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, टू आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एन, व्हाट इज डेल्टा एन देन, टू आई माइनस ए, ये कहाँ से आया जिसको नहीं पता, आई प्लस ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम आई इक्वल टू ई, देयरफॉर आई प्लस आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, देयरफॉर टू आई इक्वल टू टू आई माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम। तो ये तुम यहां से डिराइव करते हो, तो ये भी मैं रख देता हूँ फॉर यू टू प्रैक्टिस एट होम, गुड। मजा आ रहा है फिजिक्स, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी सिंपल, सिंपल है ना ये, हाँ, वेरी गुड, गुड टू हियर फ्यू, यस, अदरवाइज नो रिएक्शन एनीवेज। तो अब स्टार्ट करो, क्या है तुमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आई मिनिमम, क्या फाइंड करना है, आई मिनिमम, कैसे फाइंड करोगे बताओ, तो कैसे करोगे, म्यू वन साइन ऑफ आई मिनिमम इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ E maximum. What is E maximum? 90 degree. Grazing emergence. बराबर ना? तो mu1 की वैल्यू क्या है? 1. क्योंकि बाहर एयर है. Sin I minimum equal to ये कितना है? 1.5. ये कितना है? Sin of 90. बराबर क्या? Yes or no? हाँ या नहीं? नहीं. गलत लिख रहा हूँ मैं. फिर भी तुम बोल रहे हो ना? Yes. अरे ऐसा कैसा लिख दिया ये आई मिनिमम, क्या ऐसा करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे आर। चलो ठीक है, वापस मेरे को बताना पड़ेगा, एसी सरफेस, एसी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ के बताओ तो क्या आएगा, एसी सरफेस पे एसी एसी म्यू वन, म्यू वन बाहर है, ये म्यू वन है, इधर इधर क्या है, म्यू टू है, बताओ तो क्या आएगा, हाँ म्यू वन
साइन ई इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर टू, यहां से क्या मिलेगा तुमको आर टू, म्यू वन इज वन वन साइन ऑफ 90, म्यू टू इज 1.5 साइन ऑफ आर टू, देयरफॉर यहां से साइन 90 इज वन, वन अपॉन 1.5 इक्वल टू साइन ऑफ आर टू, तो व्हाट इज आर टू फ्रॉम हियर, साइन इनवर्स ऑफ 1/1.5, ये मैंने तुमको वैल्यू बताई थी कितनी याद है, 41 डिग्रीज एंड 41 डिग्री एंड हाउ मच, 41 डिग्री एंड 49 मिनट्स, आर टू मिल गया। आप क्या फाइंड करोगे आर टू के बाद, क्या फाइंड करते हो, आर वन ए माइनस आर टू, तो आर वन कितना है 60 माइनस हाँ 49 मिनट्स, तो व्हाट इज आर वन, 18 डिग्रीज एंड 11 मिनट्स, ये हो गया। अब ए बी सरफेस पे म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर वन, म्यू वन इज वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू इज 1.5 और साइन ऑफ आर वन, साइन ऑफ आर वन साइन ऑफ 18 डिग्रीज एंड 11 मिनट्स, मैंने अभी बताया था, याद आया पूरा सॉल्व करने के बाद, याद आया क्या आई की वैल्यू कितनी आती है, अरे अभी तो बताया था मैंने 27 डिग्रीज एंड 55 मिनट्स, तो ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है, करेक्ट राइट, हो गया यहां तक, क्या मिल गया आपको, आई मीन आई मैक्स कैसे फाइंड करोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर आप रे का डायरेक्शन उल्टा करते हो कमिंग बैक हियर, ये वैल्यू कितनी जल्दी बताओ, कितनी वैल्यू, 27 डिग्री 55 मिनट्स, तो एंगल ऑफ एमरजेंस कितना आया, अब रे का डायरेक्शन उल्टा कर दो, उल्टा डायरेक्शन करना मतलब ई को क्या बनाना, आई, व्हाट इज ई वैल्यू हियर 90, तो व्हाट इज आई वैल्यू हियर 90, बराबर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, और उसके लिए जो ये आया था ये क्या बन गया ई, तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एमरजेंस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90, 27, ओके गुड गुड डन, बस इतना ही पता होना चाहिए, बराबर, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सो सॉल्व नहीं करना है सिर्फ लिख देना है वहां पे, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यू हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एज 90 और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ई इन दिस केस इज 27 डिग्रीज एंड 55 मिनट्स, तो रेंज मिल गया आपको, क्या है रेंज, रेंज क्या है 27 डिग्री 55 मिनट से लेके तो 90 डिग्री तक, मतलब 25 डिग्री 55 मिनट से कम अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस करते तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पार्ट वन खत्म, इसका अब पार्ट टू के साथ, केस टू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल है, अभी केस टू में तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है, अगर आई इक्वल टू ई है तो आई बताओ, तो बताओ, तो बताओ कैसे करोगे, यहां से केस टू स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आर वन फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, ए बाई टू, व्हाट इज ए वैल्यू 60/2, व्हाट इज दिस 30, सही है, तो फिर ए बी सरफेस पे क्या अप्लाई करोगे, स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर वन, यहाँ पे मैं आई मैक्स आई मीन कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात ही नहीं हो रही है, वो सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए था, व्हाट इज म्यू टू वैल्यू 1.5 साइन ऑफ 30, व्हाट इज साइन 30 1/2, तो ये सॉल्व कर लो, ये 1.5 मतलब 3/2 और ये 1/2 मतलब ये 3/4 मतलब 0.75, ओके, तो ये आई की वैल्यू आती है 48 डिग्रीज एंड सम मिनट्स, कितना मिनट याद है क्या, मुझे याद नहीं, 35 35 मिनट्स, हो गया हो गया, और क्या पूछा था, क्या पूछा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम, तो डेल्टा एम कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा एम कैसे फाइंड करोगे, 2i - a 2 × 48 डिग्रीज 35 मिनट्स -60, बराबर, सही लिखा है, गलत लिखा है, तुम सही बोल रहे हो, ब्रैकेट्स का भी मैटर ध्यान देना, इधर लिख दिया तो गए काम से, नेगेटिव आ गया,
व्हाट इज 48 का डबल 96, व्हाट इज 35 का डबल 70, 35 मिनट्स का डबल 70 मिनट्स हो गया, 70 में से 60 को अलग कर दो, 60 मिनट्स इज 1 डिग्री, 48 का डबल कितना था 96 और 60 मिनट्स कितना हो गया 97, तो ये कितना है पता है 97 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स, माइनस 60 करो तो माइनस 37 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स हो गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हुआ लेक्चर में।